पीतल नगरी पूर्व पार्षद पीतम सिंह पासी शिवसेना जिसका निशान चिन्ह त्रिशूल है, भारी संख्या में क्षेत्रीय लोगों ने पीतम सिंह पासी की जय जयकार लगाते हुए नारेबाजी की और कहा, हमारा प्रत्याशी पीतम सिंह पासी जैसा हो जिसने हमारे क्षेत्र में कई ऐसे कार्य किए हैं और क्षेत्रीय लोगों का पूरा सहयोग किया। हमने जब भी पीतम सिंह पासी को पुकारा हमारे लिए खड़े रहे। हम सब मिलकर पीतम सिंह पासी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। त्रिशूल के निशान पर मोहर लगानी है और पीतम सिंह पासी को भारी मतों से जिताना है ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। जो कार्य अभी तक नहीं हुआ वह कार्य जीतने के बाद हो सके। हम सबको मिलकर पीतम सिंह पासी को त्रिशूल के निशान पर मोहर लगाकर जिताना है। पीतम सिंह पासी ने कहा, मैं वादा करता हूँ जो कार्य पूर्ण नहीं हो पाए हैं मैं आपके बीच आकर उसे पूरा करूँगा, यह मेरा वादा है। पीतम सिंह पासी, कौन से वार्ड से हैं आप? वार्ड नंबर 36। किस चिन्ह से खड़े हैं? निर्दलीय। अच्छा, क्षेत्रीय जनता के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? क्षेत्रीय जनता के लिए निर्माण कार्य अब तक क्या निर्माण कार्य हो चुका और कितना हो रहना बाकी है? इससे पहले पार्षद रह चुका हूँ, मेरे कार्यकाल में बहुत निर्माण कार्य हुए थे। अब मेरे कार्यकाल खत्म होने के बाद में जो थोड़ा चुनाव जीत के आए भाजपा के पार्षद, उन्होंने कोई कार्यक्रम नहीं किया यहाँ क्षेत्र के अंदर, इसीलिए जो है क्षेत्र की जनता बहुत प्रभावित है। उनके लिए जो है वो चाहती है परिवर्तन होते के साथ में चुनाव जीत के दोबारा आएंगे, निर्माण कर रहे हैं दोबारा पुनः बढ़िया तरीके से कराया जाएंगे। क्या अपील करना चाहेंगे आप? अपील तो क्षेत्र की जनता से बहुत अपील है कि बहुत अच्छे मतों से हमें विजय बनाए तो उनके लिए हम अच्छे कार्य करा पाएंगे। जनता का आपको कितना सहयोग मिल रहा? जनता का बहुत बड़ा सहयोग है हमारे साथ, पूरी क्षेत्र की जनता हमारे साथ है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश बहुत बढ़िया है हमारे लिए, बहुत अच्छा संदेश है। क्षेत्र की जनता हमारे लिए तन मन धन से तैयार है और चुनाव जिताने के लिए हर प्रकार से हर तरीके से कर्मठ जुआरी तरीके से हमारे लिए चुनाव जिताएगी, उस पर हम अपने खड़ा उतरेंगे।